नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई करता है। इस पर आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं TGT PGT न्यूज टूडे इंडियन बैंक भर्ती 2024, नाबार्ड बैंक भर्ती तथा शिक्षक मानदेय न्यूज, SSC स्टेनोग्राफर भर्ती। जानिए सब कुछ इस वीडियो। इंडियन बैंक में नौकरी की भरमार, ग्रेजुएट के लिए बेहतरीन मौका, बढ़िया सैलरी है। इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट में तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस के पदों के लिए भर्तियाँ निकाली है। इच्छुक जो कि अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंडियन बैंक भर्ती 2024 के माध्यम से कुल 1500 पदों पर बहाली की जा रही है। अगर ही आप भी इंडियन बैंक में नौकरी करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 31 जुलाई या उससे पहले कर सकते हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट। इस भर्ती के लिए आयु सीमा जो है 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए और SC ST OBC के लिए आयु में छूट है। नियमानुसार आवेदन का शुल्क जो है 500 रुपये, अप्लाई करने के लिए 500 रुपये देना होगा। SC और ST और PW के लिए कोई शुल्क नहीं। नाबार्ड में भर्ती आई है 102 पदों पर ऑनलाइन। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी यहां पर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड में विभिन्न पदों के लिए भर्ती आई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 27 जुलाई से 15 अगस्त के बीच अभी भी आवेदन कर सकते हैं, यानी 15 अगस्त से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 27 जुलाई को शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त है और शुल्क भुगतान करने की 15 अगस्त है और परीक्षा तिथि है प्रथम चरण की 1 सितंबर। प्रवेश पत्र जो है परीक्षा से 1 सप्ताह पहले आएंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क 850 रुपये, SC ST के लिए 150 रुपये। शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से किया जाए। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है 30 वर्ष की होनी चाहिए। कुल पद 102 हैं और अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। 60% अंकों के साथ स्नातक पास होना चाहिए। एक भी तदर्थ शिक्षक नहीं देगा मानदेय। लखनऊ के एहसास के सहायता प्राप्त क्रेडिट माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षकों ने कहा है कि एक भी तदर्थ शिक्षक मानदेय को नियुक्ति नहीं लेगा। वही निदेशालय में चल रही धरने के दूसरे दिन शुक्रवार को शिक्षक भाजपा कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रोका। इसे लेकर पुलिस से नोकझोंक भी हुई और शिक्षक सड़क पर धरने पर बैठ गए। ये उनके बारे में बातें की जा रही हैं जो सेवा से हटाए गए हैं 2500 से अधिक शिक्षक और लगातार जो है सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय पर तैनाती के निर्णय से भी उनमें नाराजगी है। SSC स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती आई है। आवेदन कर सकते हैं इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी। इसके लिए अभ्यर्थी SSC गवर्नमेंट इन पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए OTR पूरा करने के बाद ही अभ्यर्थी के लिए आवेदन, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दस्तावेज चेक लिस्ट दी गई है, ये चेक लिस्ट और ये दस्तावेज चाहिए होंगे। नेक्स्ट न्यूज है TGT और PGT एग्जाम डेट 2022 की। एग्जाम डेट के बारे में यही विश्व सूत्रों से पता चला है कि इसकी एग्जाम डेट जो है आपकी सितंबर और अक्टूबर में आ सकती है और सितंबर और अक्टूबर के बीच ही इसके एग्जाम हो सकते हैं। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।